स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में टोटल 1305 वैकेंसी आई हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन वैकेंसीज़ की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी शाम 5 बजे तक। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट आप 20 फरवरी तक ले सक 20 फरवरी शाम 5 बजे तक ले सकते हैं, साथ ही साथ उसको सबमिट करने की, क्योंकि जो डाउनलोड एप्लीकेशन है वो सबमिट भी करना है, वो भी जो सबमिट होगा उसकी जो अंतिम डेट है वो है 23 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक। दोस्तों, जो फीस है एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस आपको दोबारा वापस नहीं की जाएगी, वो है 1000 रुपये है, वो भी UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए। जो ग्रुप ए, अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी है उनको 1000 रुपये जमा करने होंगे, और जो बाकी मतलब कि जो ग्रुप बी, अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये सबमिट करने होंगे, जो कि बता रही हूँ मैं दोनों, वही अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी को। ग्रुप ए के लिए 1000 रुपये, और अगर वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 500 रुपये सबमिट करने होंगे दोस्तों। और उसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट है उनकी जो फीसेज है वो मतलब उनके लिए कोई फीस रखी गई नहीं है, उनको उनके लिए जो PWD और जो SC ST कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, और जो पेमेंट करना है वो पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो पेमेंट मतलब कि आपको पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोस्ट क्या है और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही साथ आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका फॉर्म अच्छे से भर जाए, ठीक है। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि पोस्ट है किस किस चीज़ की। तो जो दोस्तों पहले मैं बताती हूँ, जो डिपार्टमेंट है वो इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउ कर रहा है BHU एप्लीकेशन पढ़ने के लिए, फॉर जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। और उसके अलावा स्कूल जो टीचर है उसके लिए भी पोस्ट है, उसमें टीचिंग में जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की है, TGT, PGT, PRT की वैकेंसी है। तो हम देखते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। तो ग्रुप ए के लिए जो पोस्ट है, जो ग्रुप ए के लिए वैकेंसी है, ग्रुप बी के लिए है, ग्रुप और ग्रुप सी के लिए है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो टोटल पोस्ट है, मैंने बताया आपको 1305 वैकेंसीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है, तो इसमें तो आपको समझ में आएगा नहीं। हम डायरेक्ट बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो ग्रुप ए में जो पोस्ट है वो है फाइनेंस ऑफिसर की है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल की है। वाइस प्रिंसिपल की 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जो फाइनेंस ऑफिसर की है वो भी 1 ही पोस्ट है। प्रिंसिपल की भी 1 पोस्ट है, दो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, एक्चुअली 3 वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और जो कि एक तो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट, और एक है हिंदू गर्ल्स कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट, और ये टोटल 3 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी वैकेंसी, क्लिनिक इंस्ट्रक्टर, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल और मेडिकल सुपरटेंडेंट की है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोग्रामर की भी वैकेंसीज है, मेंटेनेंस इंजीनियर की है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो आप मतलब कि ग्रुप ए में जो वैकेंसीज हैं वो यही हैं, ग्रुप ए में मेडिकल ऑफिसर्स की है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी है। जबकि ग्रुप बी में जो पोस्ट है, ग्रुप बी में असिस्टेंट टीचर्स की बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, ये सब जो वैकेंसीज है, जो ग्रुप मतलब कि जो ग्रुप बी में जो टारगेट किया गया है वो है असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, जो सारी वो ग्रुप बी में है।
ग्रुप सी में बात करें तो यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट है, जो कि जूनियर क्लर्क, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, कार ड्राइवर है ना, पब्लिकेशन असिस्टेंट, टेक्नीशियन वगैरह की जो पोस्ट है उनको ग्रुप सी में रखा गया है। तो ये तो तीनों जो कैटेगरीज थी उनकी उनको डिवाइडेड कर दिया गया है। उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कि जो इसके लिए आप पूरा नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अभी मतलब कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मेनली ओवरव्यू दिया कि इन्होंने कैसे ग्रुप बी, ग्रुप ए और क्या है, ग्रुप बी क्या है और ग्रुप सी क्या है। अब जो हम इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो इसकी जो एज लिमिट है और वो क्या है, मतलब कि जो मतलब कि इस पोस्ट के लिए। तो अब हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज रखी गई है, जो मैक्सिमम एज है वो 30 होनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम एज फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो 5 साल का मिल रहा है एस सी एस सी को, जबकि 3 साल का मिल रहा है ओबीसी को, जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म ही है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन का अलग हर पोस्ट के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग सेगमेंट है। तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है उसको बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल सही हो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप पहले मत भरिए, क्योंकि बहुत सोच विचार करके इस इनको सबको बनाया गया है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे जो ग्रुप सी और ग्रुप बी का जो एज रिलैक्सेशन है, जो उनकी एज है वो 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए, और वही जो एज रिलैक्सेशन है वही सेम दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैं वापस बात करूँगी। और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो रहेगी वो लास्ट डेट आप देख लीजिए 16 तारीख। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप पहले ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे बहुत ज़्यादा मतलब कि सर्वर प्रॉब्लम रहती है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। आप एक बार अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इसकी पहले अप्लाई कर दीजिए। उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ग्रुप ए के लिए 1000 रुपीज़ है, और जो कि अनरिजर्व, और जो ओबीसी है उनके लिए है, और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है वो 500 रुपये है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। और जबकि एसटी एससी इस पोस्ट को मतलब कि बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने पहले से ही एससी एसटी के लिए जो सीट्स है उनका मतलब कर दिया कि कितनी सीट्स एसटी एससी के लिए है। तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी सीट वैकेंट है एससी के लिए, ठीक है। और उसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, वापस से मेंशन कर देती हूँ मैं, आप ये मत सोचिए कि आपकी फ़ीस आपको रिफंड हो जाएगी। और आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप जो कर आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में ही करना है। तो जो हर मतलब कि ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप सबके लिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट टैब्स है, सेपरेट लिंक्स हैं वहाँ पे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसी पोस्ट के लिंक पे जाइए। और जो आप अगर एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप सब ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, पीपी है, वो आपकी होनी चाहिए 50 KB होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके डिजिटल सिग्नेचर है वो भी 50 KB के ही होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा के होंगे तो जो वो है सबमिट नहीं होंगे, अपलोड नहीं हो पाएंगे, अपलोडिंग नहीं हो पाएगी वहाँ पे। तो पहले आप ये ध्यान रखिए जो आपकी फ़ोटोग्राफ है और आपके सिग्नेचर है वो 50 KB नहीं है, तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो आपकी जो डिटेल्स है उनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपका फॉर्म किसी भी कारण इनकम्प्लीट रहा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और आपकी विंडो अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो जाती है, मतलब आपका अचानक आपका जो विंडो है, टैब है, वो बंद हो जाता है, ब्राउज़र बंद हो जाता है, तो और आप लॉग आउट हो गए, आप लॉग आउट हो चुके हैं, तो आपको जो आपके ईमेल पे आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से अगेन लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के दौरान, तो आप रिक्रूटमेंट @bhu.ac.in पर जाकर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि आपको जो सेवरल टैब, अगर आपने बहुत सारे टैब्स से एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप सारे फॉर्म को अच्छे से जब आप सारी जो डिटेल्स अच्छे से फिल कर दें, तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिया होगा सेव एंड प्रोसीड। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे, मतलब आप स्विच हो जाएंगे। आपको मतलब कि अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हो गई हैं तो आपको तब आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा। आपको एक एक इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपका फॉर्म, आपके सारे डिटेल्स है वो सभी सब पूरी फिनिश होनी चाहिए। एक बार अगर आप
आपने अगर चेंज कर दिया, आपने प्रोसीड कर दिया, तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपना जो एप्लीकेशन, अपनी जो आप डिटेल्स भर रहे हैं उनको प्रोसीड एंड सबमिट पे, वो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आप उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन क्लिक सब सेंड के लिखे वहाँ पे वो करेक्ट भी है कि नहीं है। और उसके बाद आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसका वहाँ पे प्रिंट आउट ऑनलाइन मतलब कि लेके आप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इसको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और जब फिर साइन करके आपको डिपार्टमेंट को ये सेंड करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं मतलब कि जो उनकी डिटेल सबमिट हो जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। साथ ही साथ जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका डायरेक्ट मतलब कि इंटरव्यू हो जाएगा, इसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो जो भी ऑल एसेंशियल डिटेल्स हैं वो डिपार्टमेंट ने अपनी जो पोर्टल है अपने जो नोटिफिकेशन है उसे मेंशन किया है। इसका नोटिफिकेशन में सब डिटेल्स मेंशन है, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता दी हूँ कि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली लिखा है ये चीज़ें सब चीज़ें। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसकी लास्ट डेट जो कि 16 फरवरी है उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।